प्लांट में अभी कुछ ही दिनों पहले सिविल लाइन डाली गई थी, जिसमें मिट्टी अच्छे से बैलेंस न करने के चलते प्री मॉनसून में सेक्टर 8 के हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हुई है और सड़कों में गड्ढे भी बन गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिविल लाइन डालना हमारी जान की आफत बन चुकी है। इसमें हमें कोई सहूलियत तो नहीं मिली और ज्यादा परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो गई। मिट्टी अच्छे से बैलेंस न होने के कारण मिट्टी अंदर धस गई, जो कि खाई का रूप लेती जा रही है, जिससे जान का जोखिम है। और साथ ही साथ प्री मॉनसून में जहां तूफान आंधी बारिश के चलते हालात और भी बेकाबू हो रही हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने खुद ही प्रयास करके कुछ चीजें सुधारी हैं। उनकी मांग है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और सड़कों को सुचारू करने में मदद करे। मेरा नाम रुचि है। देखिए, हम डेली रात को यहाँ से कुत्तों को फीड कराने निकलते हैं। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, डेली शाम को निकलते हैं। रोज यहाँ धीरे 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 सड़क टूट रही थी। कल रात को तो ये सीधा हमारी गाड़ी के नीचे धसी गई एंड बहुत सारे लोग आए। हम सब ने बहुत कोशिश करी उठाए। अगर कोई बच्चा साइकिल पे होता तो वो गिर ही जाता और पता भी ना चलता, इतनी तेज बारिश थी। उसके बाद जब हम आगे निकले हैं तो भैया क्रेन बुलानी पड़ी, हमने उठवाई है गाड़ी। तो ये परेशानी आ रही है, देखिए आप। और कितने दिन हो गए इस बात को, यहाँ पे जब से पाइपलाइन डाली है मिट्टी ढेर इकट्ठी कर दी है और उसको वो लोग उठा भी नहीं रहे हैं। वही धूल उड़ रही है, अब बारिश है तो गड्ढे हो रहे हैं, तो परेशानी है। साढ़े पाँच और पौने छः के बीच में यहाँ पे पानी भरा पड़ा था, जो कि मैं और सामने एक हमारे टायर वाले भाई साहब हैं, उन दोनों ने हमने मिलकर यहाँ डंडे से वो खोला और पानी निकाला। यहाँ कोई भी नहीं था उस टाइम, अंधेरा होने की वजह से। और जैसे ही वो पानी निकल रहा था तो यहाँ एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा दूध वाला, इसके अंदर गिरा है, उसके सिर पे भी लगी है चोट, उसको हम दोनों ने निकाला। उसके बाद एक वैगनार आके गिरी है, उसको भी हमने हेल्प की, मगर वो वैगनार निकल नहीं सकी। उसके अंदर दो बच्चे थे, एक लेडीज़ और एक आदमी था। सर, प्रशासन की लापरवाही है। सेकरी है, मैं सेक्टर 23 से सर्वोदय हॉस्पिटल में डायलिसिस कराने आती हूँ और मुझे इस बात को 7 साल हो गए हैं। 7 साल से तो मैंने इस रोड को कभी बनते देखा नहीं। बेसिकली मेरा कहना ये है कि जब ये पंडित मूलचंद शर्मा के अंडर आती है रोड, जब उसका ये हाल है तो बाकियों का तो पता ही नहीं क्या हाल होगा।